Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the use of should and must. Okay friends, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए हुए sentences के answer, English अनुवाद. Okay friends, तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो इसको आप match कर लो और जहां पर भी गलती है वहां आप सुधार लो. Okay friends, तो friends, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता आता हूं कि मैं हर क्लास में आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं और उस स्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूं. मींस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इतने सारे सेंटेंसेस बोलता हूं. ओके फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ में, और मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लास्ट में सेंटेंसेस भी देता हूं बहुत सारे जो आप घर पे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते तो. ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वे है. अगर आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वे को आप अपनाइए. मैं अपने सभी क्लासेस में इसी वे से सबको इंग्लिश सिखाता हूं और सबने इंग्लिश सीखा है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, शुड एंड मस्ट. What is should and must? Should and must helping verb है, और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस तरह के sentences के लिए करते हैं? तो बहुत easy है कि जब भी sentences में इस तरह की means suggestion जैसी बात कुछ की जाए, suggestion means आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे doctor से मिलना चाहिए, आपको bike खरीद लेनी चाहिए, इस तरह का हम suggestion किसी को देते हैं ना, तो वहाँ पर हम should और must का इस्तेमाल करते हैं. या हम दूसरी भाषा में सरल तरीके से समझने की कोशिश करें तो सेंटेंस के अंत में वर्ब के बाद, यानी वर्ब के साथ ना 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 आएगा, फिर उसके बाद चाहिए आएगा. ओके फ्रेंड्स, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, इस तरीके से आएगा. तो समझ लो कि आप वो शुड और मस्ट वाला सेंटेंस है. ओके, यानी सजेशन दे रहे हैं हम तब. तो ऐसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मस्ट, यानी कि जहाँ पर शुड लगाएंगे शुड, जहाँ पर मस्ट लगाना है मस्ट. हम शुड और मस्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ पे हम शुड का करेंगे और कहाँ मस्ट का करेंगे, ये भी मैं आपको सेंटेंस के साथ बता देता हूँ. ओके, तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट, वी वन यानी क्रिया का पहला रूप और ऑब्जेक्ट फिर अदर्स. तुम्हें दवाई खानी चाहिए तो यू शुड टेक मेडिसिन. ओके फ्रेंड्स, टेक मतलब दवाई खाने के लिए हम टेक का इस्तेमाल करते हैं, इट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. उसे स्कूल जाना चाहिए तो ही शुड गो टू स्कूल. हमें उनसे मिलना चाहिए तो वी शुड मीट हिम. बहुत इजी है, आप इसका इस्तेमाल करो, मीन्स प्रैक्टिस करो और फिर इस्तेमाल करो, अपने आप इस्तेमाल होता है, बहुत इजी है. बट ये समझना ज़रूरी है कि मस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. मस्ट का मतलब होता है ज़रूर. ओके फ्रेंड्स, अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरह की सजेशन वाले सेंटेंस में ज़रूर का इस्तेमाल या अवश्य का इस्तेमाल आता है तो वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि तुम्हें दवाई ज़रूर खानी चाहिए तो यू मस्ट टेक मेडिसिन. उसे स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो टू स्कूल. हमें उनसे ज़रूर मिलना चाहिए, वी मस्ट मीट हिम. या हम हिंदी में इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि तुम्हें दवाई खानी ही चाहिए, यानी कि जोर दे के हम बोलते हैं, किसी को सजेशन देते हैं बट जोर दे के बोलते हैं कि वो आपको करना ही चाहिए. अगर ज़रूर या अवश्य नहीं आएगा तो ही आएगा, कि आपको स्कूल जाना ही चाहिए, आपको दवाई खानी ही चाहिए, या तो आपको दवाई ज़रूर खानी चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं, और खानी ही चाहिए ऐसे भी बोल सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, उसको हम मस्ट लगाकर बनाएंगे. अगर बात रही नेगेटिव और इंटरोगेटिव की तो तुम्हें दवाई नहीं खानी चाहिए तो यू शुड नॉट टेक मेडिसिन. शुड नॉट को हम शुडंट भी बोल सकते हैं, शुडंट यानी कि शॉर्ट फॉर्म शुड और नॉट का, तो शुडंट हो जाता है, और मस्ट नॉट का हो जाता है मशंट. ओके फ्रेंड, मशंट. तुम्हें दवाई नहीं खानी चाहिए, यू शुडंट टेक मेडिसिन. उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए, ही शुडंट गो टू स्कूल. हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए, वी शुडंट मीट हिम. ओके फ्रेंड्स, अभी इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आपको पता ही है
कि क्या से शुरू होने वाले को हम इंट्रोगेटिव कहते हैं और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाकर उसका इंग्लिश बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या तुम्हें दवाई खानी चाहिए, शुड यू टेक मेडिसिन। क्या उसे स्कूल जाना चाहिए, शुड ही गो टू स्कूल। क्या हमें उनसे मिलना चाहिए, शुड वी मीट हिम। अगर इसमें मस्ट लगाना है कि क्या हमें उसे मिलना ही चाहिए, तो मस्ट वी मीट हिम, मस्ट पहले लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन, तुम्हें दवाई क्यों खानी चाहिए, तो व्हाई लगा देंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाई शुड यू टेक मेडिसिन। उसे स्कूल कब जाना चाहिए, व्हेन शुड ही गो टू स्कूल। हमें उनसे क्यों मिलना चाहिए, व्हाई शुड वी मीट हिम। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे शुड मस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर शुड और कहाँ पर मस्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आपको उनसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम। आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट टॉक टू हिम। क्या आपको उनसे बात करनी चाहिए, शुड यू टॉक टू हिम। आपको उनसे बात क्यों करनी चाहिए, व्हाई शुड यू टॉक टू हिम। तुम्हें बाइक खरीद ही लेनी चाहिए, मीन्स तुम्हें बाइक ज़रूर खरीदनी चाहिए, यू मस्ट बाय बाइक। उन्हें नदी पार जरूर करना चाहिए, दे मस्ट क्रॉस द रिवर। आपको इंग्लिश ज़रूर सीखना चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश। क्या मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए, शुड आई मीट डॉक्टर। क्या मुझे डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, यानी कि ज़रूर मिलना चाहिए, तो मस्ट आई मीट डॉक्टर। क्या तुम्हें गीत गाना चाहिए, शुड यू सिंग सॉन्ग। क्या हम लोगों को मैच खेलना ही चाहिए, मस्ट वी प्ले मैच। हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। क्या उसे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि क्या उसकी मदद करनी ही चाहिए, मस्ट ही हेल्प हिम। क्या मुझे आपको मेरा घर दिखाना ही चाहिए, तो मस्ट आई शो यू माई हाउस। क्या हमें साथ नहीं रहना चाहिए, शुड वी नॉट लिव टुगेदर। क्या आपको कल मुंबई जाना चाहिए, शुड यू गो टू मुंबई टुमारो। हमें यह काम कैसे करना चाहिए, हाउ शुड वी डू दिस वर्क। मुझे उस कुत्ते को क्यों मारना चाहिए, व्हाई शुड आई किल दैट डॉग। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब रहा आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा, इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बनाइएगा और सारे सेंटेंसेस के आंसर यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट क्लास में देते हैं, उनसे आप मैच कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।